फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं पॉम्फ्रेट फिश बनाने जा रही हूँ, जिसको मैंने पहले से नमक और हल्दी से मैरिनेट करके रखी हूँ। अब मैं इसे गर्म तेल में मैं इसे फ्राई करूँगी, एक एक करके अच्छी तरीके से डीप फ्राई करूँगी। उसके बाद मैं इसकी करी बनाने वाली हूँ। फिश अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है, अब मैं इसे निकाल लूँगी। ये देखिए, अच्छी तरीके से रेडी हो चुकी है। करी बनाने के लिए मुझे चाहिए 2 बड़े प्याज, ग्रीन चिल्ली, जिंजर, गार्लिक, बे लीफ, ये जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ये है ग्रीन चिल्ली। देखिए, सारे फिशेस फ्राई हो चुकी है, यहाँ तेल भी गर्म है। इसी तेल में मैं बे लीफ, अब ये टोमेटो मैंने चॉप करके रखी हूँ, इसे मैं दे दूँगी। ये सारे चीज़ों को मैं अभी मिक्सी में पीस लूँगी। देखिए, सॉल्ट, इसे भी अच्छी तरह से देखकर पका लूँगी टमाटर को पूरी। जब तक ये अच्छी तरह से कुक हो जाएगी, तब तक मैं वहाँ मिक्सी में मसाला पीस लेती हूँ। रेडी है, अब मैं इसमें दूँगी हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, थोड़ी सी है ये ब्लैक पेपर क्रश, थोड़ी सी डालूंगी फ्लेवर के लिए। अब मैं इसे वापस इसमें डाल दूंगी और अच्छी तरीके से इसे फ्राई करूंगी, जब तक तेल बाहर ना आ जाए। देखिए, मसाले भी काफ़ी अच्छी तरीके से हो गई है और थोड़ी देर और मैं इसे फ्राई करूँगी। देखिए, तेल भी लगभग बाहर ही आ चुका है, मसाला रेडी है, पूरी अच्छी तरीके से फ्राई हो गई है। अब मैं उसमें ये ग्रीन चिल्ली स्लिक करके रखी हुई है, मैं इसे डाल दे रही हूँ। उसके बाद मैं इसे ग्रेवी ठीक रखूँगी, इसलिए मैं पानी बहुत कम ही डालूँगी, ज़्यादा पानी नहीं दूँगी। अब इसे थोड़ी देर अच्छी तरीके से खौला के उसके बाद मैं फिश को इसमें वापस छोड़ दूँगी। देखिए, मसाला कितनी अच्छी तरीके से पक गई है। अब मैं इसमें एक एक करके सारे फिश डाल दूँगी ऐसे। फिर इसे 2 से 3 मिनट तक पका के फिर मैं गैस ऑफ कर दूँगी। साथ में ये कोरिएंडर लीफ भी दे दी गार्निशिंग के लिए। थोड़ी देर तक इसे पका। देखिए, फिश हो गई बहुत अच्छी तरीके से, इसे हॉट राइस के साथ खा सकते हैं। होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।